রসাল মঞ্জরি কাহানি রসাল মঞ্জরি যা পন্ডাল মে হে আপ দেখ রে आज महानवमी है और नवमी पूजा को लेकर जो है बड़ी संख्या में लोग आज दुर्गा उत्सव को लेकर जो है घूमने निकले हैं। तो भाई कसर नहीं छोड़ो, ये रानी का थाल मंजरी दुर्गा पूजा पंडाल में बनाया गया फव्वारा और आकर्षक लाइटिंग के साथ बड़ी संख्या में आज जो है पंडालों में आज जो है काफी भीड़ है, बड़ी संख्या में। ये रानी रसाल मंदिर का पूजा पंडाल, ये पहाड़ पर्वत का दृश्य है। पहाड़ पर्वत में भगवान शिव जो है वो विराजमान हैं, ये आप देखिए ओम का चिन्ह है। और इस पूजा पंडाल में हाथी भी है, तो बहुत ही आकर्षक ये पूजा पंडाल रानी रसाल मंदिर का। बड़ी संख्या में आज भक्त मिलते हैं पूजा करने के लिए और रानी रसाल मंदिर और ये कमेटी के तमाम मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इस पूजा का आयोजन किया जाता है, रानी रसाल मंजरी दुर्गा पूजा समिति। और ये अनुमंडल अस्पताल के ठीक सामने ये पूजा पंडाल, ये तमाम जो पदाधिकारी आप देख रहे हैं, ये कमेटी के तमाम पदाधिकारी हैं। कैसा इस बार रहा पूजा? हाँ, पूजा तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा पंडाल का, हर साल ठीक ही रहता है। जी जी, और ये जब से एस्टेब्लिश हुआ है 97 से हम लोग का हुआ है, तो बहुत ही अच्छा होता है। आज का भी तो भीड़ नवमी सप्तमी से भी बहुत अच्छा हम लोग का, आज बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। आज बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा, हम लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग सबसे एकदम इधर पंडाल लास्ट में हम लोग है, अच्छा लग रहा हम लोग को भी। काफी संख्या में लोग, काफी संख्या में और सब हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग मजा ले। और कैसा? हाँ ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है कि चक्रधरपुर में
आप लोग तो जितना जगह घूमे घूमे अनुशासन की दृष्टि से बोलिए या मूर्ति के हिसाब से। ये एक अंतिम शोर होता है घूमने के दौरान, बहुत अच्छा लगता है और सब लोग आकर के यहाँ देखते हैं, आराम भी करते हैं, हर दृष्टिकोण से पूजा पंडाल। यहाँ पे बैठे तमाम जो आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा जो है रानी रसाल मंजरी दुर्गा पूजा समिति का संचालन होता है, इन्हीं के द्वारा जो है पूरे पूजा का आयोजन होता है। जी, पूजा कब से आप लोग आयोजन कर रहे हैं और कैसा अब तक आप लोग का सफर रहा ये बताइए। 91 से चल रहा है और मैंने बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कोरोना के चलते तो हम लोग बहुत परेशान थे, बीता साल तो हम लोग का पंडाल बना हुआ था लेकिन प्रशासन के वजह से हम लोग खोलना पड़ा था और इसीलिए इस साल बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। उत्साह बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत उत्साह है और मैंने दर्शक में भी बहुत उत्साह है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, बहुत एक्सेस है, कंट्रोल करने में भी हम लोग को समय लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये तमाम पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा जो है ये पूजा का आयोजन किया जाता है। हम आपको पंडाल का भी दर्शन कराते हैं, यहाँ पे आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे लोगों की, काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है भक्त जो है वो बड़ी संख्या में लोग हम इस वक्त थे रानी रसाल मंजरी
दुर्गा पूजा पंडाल में, उसके बाद हम आगे निकलते हैं। बहुत भीड़ है, हर पूजा पंडाल में सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु हैं और ये पूजा कर रहे हैं। कृपया पंडाल के अंदर भीड़ ना लगाए, धीरे धीरे बढ़ते चले। तो आप त्योहार का जो है पूरा त्योहार के रंग में रंगा ये पूरा चक्रधरपुर है। हर जगह पूजा पंडाल और रंग बिरंगी रोशनी से भरी जो लाइट्स हैं वो लोगों में एक उमंग है। आज के दिन आज महानवमी है, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं अपने घर से और ये पूजा घूमने के लिए, उनमें एक उमंग है क्योंकि पिछले दो सालों से जो है कोरोना के कारण ये है। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे पुरानी बस्ती दुर्गा पूजा पंडाल, वहाँ लेकर आपको चलते हैं पुरानी बस्ती दुर्गा पूजा पंडाल की ओर। आदि पूजा कमेटी पुरानी बस्ती, यहाँ पे जो है हम अभी चलते हैं आपको लौटते हैं। ये हम आपको आदि पूजा कमेटी की जो पंडाल है वहाँ लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे इस तरह से पूजा का आयोजन हो रहा है, क्या वहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे Thank you.
Chiro dini,
अभी हम आपको दिखा रहे थे आज यहाँ ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया है, लोग ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे।